बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स। ओके, इन आवर चैप्टर टू ऑफ पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लोबल ट्रेंड्स। हम लोगों ने सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेंड्स को जो था वो डिस्कस किया था कि ऑन द वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनली या ग्लोबली हमारे पास इकोनॉमिकली कौन कौन से इश्यूज जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट तमाम ही डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर आता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सार्क। सार्क बेसिकली एक एसोसिएशन है जो कि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज थे उनके बिटवीन साइन हुआ, ताकि वो कुछ उसके कुछ इंट्रा और इंटर ऑब्जेक्टिव थे, ताकि वो वेलफेयर के लिए एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो भी फॉरम्स हैं इन केस ऑफ नीड वो वहाँ पर एक दूसरे को डिफेंड भी करते थे, प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे रखते थे और उनको रिजॉल्व भी कराते थे। द थर्ड एंड द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑफ द पाकिस्तान दैट इंटरनली और आप उसे कह सकते हैं कि विद इन द पाकिस्तान हमारे पास क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर वो आपसे कहते हैं कि पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इफेक्टेड बाई द इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वॉर ऑन टेरर एंड डीपनिंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, अगर हम वन बाई वन डिस्कस करें ना, तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना, वो इफेक्ट हुआ किसकी वजह से? इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वार ऑन टेरर। ये बेसिकली अगर आपको याद हो, टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो वॉर की थी अभी पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर ही, तो जो टेरर के अगेंस्ट वॉर की इंटेंसिफिकेशन की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। ठीक है, हमारे हमारे बजट सर्कल्स चेंज हो गए, हमारी फंडिंग्स चेंज हो गई और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए जब पाकिस्तान ने टेररिज्म के अगेंस्ट एक बार को बहुत स्ट्रांगली जो था वो लड़ा था। इवन स्टिल वी आर फेसिंग टेररिज्म इन द डिफरेंट एरियाज और द रीजन ऑफ द कंट्री एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड इशूज। बट लेकिन ये सब चीज़ें उनकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आए। दूसरा उसने क्या कहा, डीपनिंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विच penetrated into domestic economy through the root of, अच्छा यहाँ पे क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए वो उन्होंने हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी पेनिट्रेट किया, हमारी इकोनॉमी की भी रूट्स तक चले गए। ठीक है, अच्छा वो पेनिट्रेट किस तरह से हुए थे? थ्रू द रूट ऑफ डिक्लाइन इन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। अब जब ग्लोबली फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। And that shows visible slowdown in the foreign direct inflows और जो foreign direct investments होती है ना, foreign direct inflows का मतलब है जो कि foreign currency हमारे पास आ रही थी, that could be in the form of foreign direct investment, वो आपके पास direct investment भी हो सकती है, that could be in the form of remittances के बाहर के जो लोग मौजूद हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और पैसे जो है वो पाकिस्तान में भेज रहे हैं। तो हर तरह में उसके अंदर एक decline और एक slowdown जो था वो domestic environment में हमें देखने को मिला। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और चीज़ें जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कह रहे हैं पाकिस्तान हैज लॉस्ट सिग्निफिकेंट मोमेंटम इन द लास्ट ईयर, जो काफ़ी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ही फ्यू ईयर्स में लॉस हुई। वन ऑफ द प्राइम कंट्रीब्यूटर्स टू दिस डी रेलिंग इन पाकिस्तान प्रोएक्टिव रोल इन वॉर अगेंस्ट टेरर। कहते वन ऑफ द जो प्राइम कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, जो डी रेल करने में पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को, पाकिस्तान की सक्सेस को, वो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया टेररिज्म ने। जब टेररिज्म आया और पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट एक वॉर लड़नी पड़ी, और उसके लिए भी क्या वजह थी, पाकिस्तान बीइंग अ फ्रंट लाइन स्टेट, पाकिस्तान बेसिकली क्या कहता था, एक फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे ना काम कर रहा था, हैज टू बियर द फॉलआउट ऑफ द इवेंट्स दैट अनफोल्डेड आफ्टर 9/11 के क्राइसिस के बाद। 9/11 वाले इवेंट के बाद बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे वो अनफोल्ड हुए, ओपन हो गए, और पाकिस्तान को बीइंग द फ्रंट लाइन स्टेट उन सारी सारी प्रॉब्लम्स को, क्राइसिस को सफर करना था, बियर करना था। एट द आउटसेट ऑफ द वॉर नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज वर डिसरप्टेड। डेफिनेटली उस वॉर की वजह से उसके आउटकम के तौर पे जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई, विद अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और जो हमारी इंटरनेशनल की ट्रेड थी, मतलब जो हमारी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी वो बहुत हाई हो गई। हायर रेट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज क्या हुआ, इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज्यादा हो गई, इफेक्ट्स में होने वाला इंश्योरेंस। अब डेफिनेटली अगर अब आप अपने मुल्क से कोई चीजें बाहर भेजते हैं या वहां से मंगवाते हैं तो हमें उनको इंश्योर कराना पड़ता है, और इंश्योरेंस कॉस्ट जो थी वो बहुत इंक्रीज हो गई थी क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कंपनीज उन रिस्क को कवर कर रही थी, दे वर चार्जिंग वेरी हाई, तो इंश्योरेंस के एक्सपेंसिस बढ़ गए। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी जो इंटरनेशनल ट्रेड में
आपका कॉस्ट इंक्रीज हुई ड्यू टू द हायर इंश्योरेंस कवरेज की वजह से, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्लो डाउन होगी. इम्पोर्ट डिमांड कंप्रेस्ड विद द कॉन्सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन द टैक्स कलेक्शन. कहते हैं जो आपकी डिमांड इम्पोर्ट्स की जो डिमांड थी ना वो डिक्रीज हो गई. डिक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट्स के ऊपर हैवी टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे वो भी डिक्रीज हो गए. नंबर थ्री पे कहते हैं इनफ्लोज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द प्राइवेटाइजेशन वर एडवर्सली अफेक्टेड. पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो भी, और जो प्राइवेटाइजेशन थी दे वर एडवर्सली अफेक्टेड, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई. ठीक है. अच्छा, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा था और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए. ठीक है. द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर्स टू एड्रेस द फॉलोइंग चैलेंजेस. चैलेंजेस को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो स्टेप्स लिए थे वो क्या था. नंबर वन, स्ट्रॉन्ग एडजस्टमेंट्स इन द पेट्रोलियम प्राइसेस वर अंडरटेकन टू रिड्यूस द बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारे पास हमारी इम्पोर्ट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो कम होती हैं. मतलब फॉरेन करेंसी जो हमारे मुल्क में आ रही है वो कम है और जो हमारे मुल्क से जा रही है वो ज़्यादा है. तो वो जो वहाँ पर हम क्राइसिस फेस करते हैं ना वो उसको हम डेफिसिट कहते हैं. तो पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर बहुत हैवी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी ताकि हम बजट डेफिसिट को कॉम्पनसेट कर सकें. सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर कट्स वर मेड टू कर्टेल द एग्रीगेट डिमांड. बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे थे अपने डेवलपमेंट फेजेस के ऊपर लाइक हॉस्पिटल्स थे, यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी. ठीक है. उसकी वजह से हमने उन सारी जो एरियाज थे उनके ऊपर हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर्स को सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर्स हमें कट डाउन करने पड़े ताकि हम अपनी डिमांड को ताकि डिमांड और उस वहाँ पर फिर क्या था एग्रीगेट डिमांड वहाँ पे उसको कर्टेल करने के लिए, डिमिनिश करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए. तो वहाँ पर भी हमारी डेवलपमेंट जो थी वो इफेक्ट हुई. नेक्स्ट वो कह रहे हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी वॉज फॉलोड बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टू कंटेन इन्फ्लेशनरी स्पाइरल. आपके पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब प्राइसेस आपकी बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, जब आपका मनी की वैल्यू जो थी वो बहुत हैवीली डिक्रीज होती जा रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत टाइट जो थी मॉनिटरी पॉलिसीज को फॉलो किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि इन्फ्लेशन को अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर लिया जाए. ठीक है. डी पॉइंट नंबर से कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स वर पीरियोडिकली एडजस्टेड टू रैशनलाइज एनर्जी प्राइसेस. आपको याद होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोगों को किया गया, उसके अंदर कभी प्राइसेस को एकदम हाई कर दिया गया, कभी उसके अंदर आप लोगों को सब्सिडीज दे दी गई. ठीक है. तो पीरियडिकली वहाँ पे टैरिफ्स भी दिए गए, टैक्सेस इसकी वजह से प्राइसेस को पर यूनिट प्राइसेस को इंक्रीज भी किया गया, कभी वहाँ पर वो आप लोगों को सब्सिडीज भी दी गई पीरियडिकली टू एडजस्टेड टू रैशनलाइज एनर्जी प्राइसेस, ताकि एनर्जी प्राइसेस को आप टू सम एक्सटेंट रैशनलाइज कर दिया जाए. नेक्स्ट है गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ 9-पॉइंट प्रोग्राम फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल रिकवरी इन कंपासिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स. उनको कौन से एलिमेंट्स को कवर करी थी वो 9-पॉइंट प्रोग्राम के अंदर मौजूद है. नंबर वन उसमें क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रियल सेक्टर ग्रोथ. आप माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके अंदर जितना भी माइक्रो का मतलब था ना, हमने डिस्कस किया था ओवरऑल इन द कंट्री, ओवरऑल कंट्री को हम स्टेबल करने की कोशिश करेंगे. और जो हमारे रियल सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं लाइक आपकी एजुकेशन है, आपकी ट्रांसपोर्ट है, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर है, आपकी आपकी जितने भी आपकी शुगर इंडस्ट्रीज हैं, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो रियल सेक्टर्स यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए, उनकी वर्किंग के लिए जो है वो काम किया जाएगा. प्रोटेक्टिंग द पुअर एंड द वल्नरेबल. वल्नरेबल का मतलब होता है वीक होना, कमज़ोर होना. तो हमने पुअर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, कमज़ोर जो हमारे वहाँ पे सेक्टर्स थे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई. इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड द वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर हमने कोशिश की कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लिया जाए और वैल्यू एडिशन के ऊपर काम किया जाए. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि रॉ फॉर्म के अंदर चीज़ों को बेचने से बेहतर है कि आप उनके अंदर आपको सम एक्सटेंट कुछ वैल्यू एड कर लें और उनकी वैल्यू की जो एडिशन होगी फिर उन एग्रीकल्चर को प्रोडक्ट्स को आगे सेल आउट किया जाए ताकि कुछ हैवी रेवेन्यूज हैं वो वहाँ से जनरेट किए जा सकें और जो कि आपकी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के अंदर वर्क कर सकेंगे. नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम. एनर्जी डेवलपमेंट, एनर्जी क्राइसिस को कवर करने के लिए हमने कुछ इंटीग्रेशंस की, कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेशंस की और एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने कहा जी वर्कआउट करें. मेकिंग इंडस्ट्री इंटरनेशनली कंपेटिटिव. आपके पास जितनी भी इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, चाहे वो टेक्सटाइल है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो कोल है, चाहे वो एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, कोई भी इंडस्ट्री जो एग्जिस्ट करी है उसको हमने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर
कॉम्पिटिटिव का मतलब होते हैं एफिशिएंट स्ट्रांग, उसको बनाना. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मैंने कहा कि आप अपने ह्यूमन ह्यूमंस का जो जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो जितने भी इतनी हमारे पास लेबर मौजूद है, उनके इनको डेवलप करें. डेवलप करने का मतलब है कि रॉ फॉर्म के अंदर लेबर को क्यों छोड़ना है, इनको कोई काम सिखाएं या फिर आप इनको कुछ पढ़ना लिखना सिखाएं, ताकि यही जो ह्यूमन लेबर है ये हमारे पास एफिशिएंटली काम कर सके. नंबर 7 में आपसे कह रहा था रिमूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पब्लिक प्राइवेट बोटलनेक्स पार्टनरशिप्स. बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के दरमियान जो रुकावटें आई थी ना, बोटलनेक्स मीन्स कोई भी प्रॉब्लम्स थे, हर्डल्स थे, ठीक है, वहां पर उन हर्डल्स को कंट्रोल करते हुए तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बिटवीन पार्टनरशिप्स कराई गई, ठीक है. लाइक प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर इंट्रोड्यूस, उन्होंने कहा कि अगर आप पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई और इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करें जिसका आप खुद से उनका बर्डन जो है वो नहीं बेयर कर सकते, तो आप उनको प्राइवेटाइज कर दें, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी और वो वर्क भी इसी तरीके से करेंगे और वो अपने एक्सपेंसेस भी खुद बेयर कर लेंगे, उसका बर्डन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होगा, ठीक है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम थे, उन्होंने उनसे कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करा दी जाए, ठीक है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के. और बेसिकली क्या था कि पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो बोटलनेक्स हैं, उनको रिमूव किया जाए, उनको ओवरकम किया जाए. नेक्स्ट आपके पास है कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट. आपको डेवलपमेंट फेज के लिए कैपिटल और फाइनेंस को ज्यादा प्रोवाइड किया जाए. बैंकिंग सेक्टर्स को भी इस बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप डेफिनेटली लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करें, लेकिन उन लोगों को ज्यादा नहीं जो कि डेवलपमेंट फेज के अंदर काम कर रहे हैं. और लास्ट पॉइंट था गवर्नेंस फॉर अ जस्ट एंड फेयर सिस्टम. जस्टिस और फेयर मतलब एक अच्छा और मुनसिफाना इंतजाम जो है वो आपकी मुल्क में जो है वो किया जाए और फिर जो है उसके ऊपर वर्कआउट किया जाए. इन सब चीजों के ऊपर वर्क किया गया आप लोगों के पास. सो ऑन नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर आफ्टर वर्किंग ऑन दीज 9 पॉइंट्स, नेक्स्ट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी टूवर्ड्स ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स वॉज प्रायोरिटाइज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उन प्रोग्राम्स को जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिनकी वजह से पाकिस्तान को अर्निंग्स होंगी, जो कि प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है. तो उन एक्सपेंडिचर्स को, उन एक्सपेंसेस को जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिनसे रेलिवेंट आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट पे कहा गया डायरेक्टेड इमीडिएट सपोर्ट टू द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स. जो बहुत ज़्यादा पुअर और जो बहुत ज़्यादा वीक ग्रुप ऑफ पीपल थे आपकी कंट्री में, उनसे कहा गया कि उनको इमीडिएट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए. उसके लिए प्रीवियसली एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एंड दीज आर ऑल ₹1,000 पर मंथ पर फैमिली. उसके अंदर पर मंथ पर फैमिली को ₹1,000 जो थे वो दिए गए कैश ग्रांट्स में, चैनल थ्रू विमेन टू हेल्प सेटिस्फाई द मोस्ट फंडामेंटल नीड्स ऑफ द वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स. जो कि बहुत ज़्यादा कमजोर हाउसहोल्ड्स थे, घर थे, उनको सपोर्ट किया गया. करंटली रीचिंग 3.5 मिलियन पुअर हाउसहोल्ड्स. अब तक वो 3.5 मिलियन पुअर हाउसहोल्ड के पास पहुँच चुका है और उसकी जो एस्टिमेशन है दैट इज़ कि उसको 7 मिलियन हाउसहोल्ड तक पहुँचाया जाएगा. This data is related to 2019 to 2010. You will have an assignment. Assignment आपकी ये है कि आपने currently check करना है. Currently आपके weak areas को, vulnerable areas को, poor people को support करने के लिए आपके मुल्क में कौन कौन से programs हैं वो चल रहे हैं और उनका जो budget grant है वो कितनी है, ठीक है, expected budget grant कितनी है, यहाँ से आपने इस assignment को prepare करके लाना है. नेक्स्ट आपसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेड इम्प्रूव्ड एंड ट्रांसपेरेंट टारगेटिंग ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. बेसिकली जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेसिपियंट्स थे या जो भी उसके उनको इनको टारगेट किया गया था, उनको उन कोशिश की गई थी कि वो बहुत ट्रांसपेरेंट किस्म से और बहुत इम्प्रूव्ड वे से उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जाए, ताकि इसके अंदर कोई करप्शन ना हो, ऐसा ना हो कि गरीबों की बजाय ये पैसे भी अमीर ही या ऊपर वाले जो लोग हैं वही लेके जो है ना वो बैठ जाए. And other programs aimed at the poor and the vulnerable groups, और जो programs से उनका aim वही था कि जो weak areas, vulnerable और poor people हैं, उन group of people को आपने वो करना है, target करना है, उनको satisfy करना है. I point में आपसे कहते हैं intensified public-private partnerships. Public-private partnerships अभी हम वो PPPs को discuss कर रहे थे कि public और private sectors के between partnerships को develop किया गया.
विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ताकि प्राइवेट जो लोग प्राइवेट अपना पैसा बहुत ज़्यादा लेके बैठे हुए हैं वो लोग भी इन्वेस्ट करें, इंक्लूडिंग उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल थे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडिंग सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स था आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. जब हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेटाइज करना शुरू किया तो प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग बैठे हुए थे जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स थे उन्होंने उन्हीं सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया और उसको बहुत ऊपर लेकर गए, बहुत एफिशिएंसी के साथ उसके अंदर वर्क किया. अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने उनसे एज एन टैक्स अपना रेवेन्यू भी रिसीव कर लिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को लेबर भी प्रोवाइड की, अपने वर्क को भी एफिशिएंट किया, और प्लस वो जो जो सेक्टर्स वर्क कर रहे थे और उनका सारे का सारा बर्डन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर आ रहा था वो भी कंट्रोल हो गया. ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जस्ट उनसे अपना रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज ही रिसीव कर दिया. एंड इन द लास्ट पॉइंट रीइंफोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द साउंड गवर्नेंस. आपकी गवर्नेंस जो थी, आपका चेक एंड बैलेंस, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग. मैनेजमेंट, मैनेजरियल एंड द सिस्टमैटिक मैकेनिज्म, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग टू इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर आर कॉस्ट इफेक्टिव. वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो असेस कर सके कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपके सोशल सेक्टर्स में हो रही हैं वो सारी कॉस्ट इफेक्टिव है. कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कि जितनी कॉस्ट आप उनको इनकर कर रहे हो आपका आउटपुट उससे ज्यादा होना चाहिए. ये नहीं है कि आप पैसे लगाए जा रहे हैं आपको उसके ऊपर कोई रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा. तो कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है जितनी कॉस्ट आप उसके ऊपर इनकर कर रहे हो इट शुड जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर यू एंड एम्ड एट आउटपुट ओरिएंटेड सर्विस डिलीवरी. और वही वाली बात है कि उसका आउटपुट ओरिएंटेड सर्विस होनी चाहिए. जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करेंगे इट मस्ट गिव यू समथिंग इन आउटपुट, समथिंग इन फॉर्म ऑफ आउटकम, समथिंग इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, समथिंग इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो उसका आपको पे बैक आएगा. तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन सारे चैलेंजेस को, मतलब ये उन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन सारी स्ट्रेटजीज को जो था वो अडॉप्ट किया था. सो इट वॉज अबाउट द डोमेस्टिक एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान. आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम इसको इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर.